स्टूडेंट्स, क्या आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था और आपके अगर नंबर इंक्रीज नहीं हुए हैं या आपके वेरिफिकेशन स्टेटस पे लिखा आ रहा है मिस्टेक नॉट फाउंड, तो अब आपको क्या करना चाहिए इसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर वीडियो रहने वाला है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करके जाइएगा। मैं आनंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी में, जहां ना सिर्फ मिलेंगे आपको कॉमर्स लेक्चर बल्कि उसके साथ साथ आपको CBSE से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी बच्चे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चे मैं उन स्टूडेंट्स की बात करना चाहूंगा, मैं जो बेसिकली जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं मैं सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था उनको बच्चे मैं पहले दो कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूंगा। पहले स्टूडेंट्स वो जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा है और जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था ये सोच के कि शायद उनके कंपार्टमेंट है या अगर वो बच्चे फेल थे तो मे बी पॉसिबल नंबर बढ़ जाए और शायद हमारा ये रिजल्ट है वो चेंज होके पास में कन्वर्ट हो जाए, तो ये फर्स्ट कैटेगरी। और सेकेंड स्टूडेंट्स वो जो बच्चे पास तो हो गए हैं लेकिन जस्ट वो बॉटम लाइन पे हैं, मतलब 33% एग्जिट उन्होंने स्कोर किए हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूंगा बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट फेवरेबल नहीं है। तो बच्चे आप सबको रीवेरिफिकेशन के बाद अब आपकी जो आंसर शीट की कॉपीज हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको डेट्स वापस याद दिला देता हूं। आपको पता होगा 12th क्लास की जो डेट है वो है 1st and 2nd of August अप्लाई करने के लिए आंसर शीट की फोटोकॉपी, और सिमिलरली 10th के स्टूडेंट्स बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ऑन 4th and 5th of August। ठीक है, 4 और 5 अगस्त है वो 10th क्लास की डेट है और 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे 1st and 2nd August को। नाउ सर अप्लाई हम कर देंगे उसके बाद क्या बच्चे इससे होगा ये कि अगर आप जैसे आपकी रिसीव करेंगे आंसर शीट तो आप खुद से उसको एक बार चेक कर पाएंगे या अपने टीचर से आप उसको क्रॉस चेक करवा पाएंगे कि सर किसी क्वेश्चन में क्या हमें नंबर थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं, क्या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम CBSE को चैलेंज कर सकते हैं। तो आप प्रॉपरली आपके सब्जेक्ट टीचर की उसमें गाइड लीजिएगा और वापस जैसे आप एक बार आंसर कॉपी अपनी देख लें तो ई वापस से रीइवैल्यूएशन की बच्चे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपको बाद में अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। जो आपकी फीस रहने वाली है फोटोकॉपी ऑर्डर करने की बच्चे वो आपकी रहने वाली है 700 रुपीज पर सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आप कॉपीज मंगाना चाहते हो तो आपकी 700 रुपीज पर कॉपी फीस रहने वाली है और बाद में जब आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बच्चे लेकर के चैलेंज करेंगे CBSE को तो उसकी आपकी फीस होगी 100 रुपीज पर क्वेश्चन। याद रखिएगा वहां पे 100 रुपीज पर क्वेश्चन है। अगर आप 5 questions के बारे में आप चैलेंज करते हो कि आपको लगता है कोई पर्टिकुलर 5 questions में आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं तो CBSE उसके लिए आपसे चार्ज करेगा 500 रुपीज। राइट, अब आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया उससे होगा क्या बच्चे वहां पे आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे वहां पे टीचर की सामने वाले जो चेकिंग कर रहा था मे बी पॉसिबल उन्होंने थोड़े नंबर आपको कम दिए हैं, आउट ऑफ 5 मान लो किसी ने 1 दे दिया 1.5 दे दिया, तो आप उसको चैलेंज करोगे जब दूसरा एग्जामिनर उस आंसर को चेक करेगा तो मे बी पॉसिबल शायद बच्चे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं शायद आपके नंबर वहां पे क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए। अब बात करते हैं बच्चे उन स्टूडेंट्स की जो जस्ट बॉटम लाइन पे पास हुए थे और अब वो अप्लाई करना चाह रहे हैं फोटोकॉपी के लिए और री इवेल्युएशन के लिए। बच्चे मैं सबको अलर्ट करना चाहूंगा ऐसे स्टूडेंट्स को कि प्लीज आप लोग ये प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करें। मैं इसका बच्चे वैलिड रीजन बता रहा हूं क्योंकि यहां पे देखो जो नंबर इंक्रीज होने और डिक्रीज होने के चांसेस हैं वो बच्चे इक्वल हैं। अगर आपके नंबर इंक्रीज हो सकते हैं तो यहां पर इस प्रोसेस में आपके नंबर क्या हो सकते हैं डिक्रीज। और CBSE ने नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया है कि अगर किसी स्टूडेंट के आधा नंबर या एक नंबर भी कम होता है और अगर उससे उसका रिजल्ट चेंज हो रहा है, सपोज आप पास हो और आपका एक नंबर कम हो गया और उससे आप अगर कंपार्टमेंट वाली कैटेगरी में आ गए तो बच्चे अब आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट बच्चे थोड़ा सोच समझ के ही अप्लाई करना, बट मैं तो चाहूंगा कि आप लोग अप्लाई ना ही करें। हाँ, ऐसा कोई केस रहा हो कि जब उनको लग रहा हो जो बच्चा सोच रहा था मेरे 90 अब वो आने चाहिए बट उस बच्चे को 33% आए हैं तो बच्चे आपको तो पक्का श्योरली अप्लाई करना चाहिए क्योंकि यहां पे आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा कि आपने पेपर कैसा अटेंड किया था। क्लियर, तो आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही। आपके और कोई डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, मैं हर एक क्वेश्चन बच्चे हर एक आपके डाउट्स का सॉल्यूशन कमेंट के थ्रू आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। और भी अगर कोई बच्चे प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो लाइक करके जरूर जाना अगर आपको थोड़ी सी हेल्प मिली है। टारगेट करते हैं कि इस वीडियो पे हमको एटलीस्ट 500 लाइक्स मिलेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स अकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो नीचे कमेंट करें।